ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा मासिक धर्म से वशीकरण का एक सरलतम प्रयोग, जिससे कि आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। ये उपाय तभी करना चाहिए जब पति डाइवोर्स ले रहा हो या फिर अनावश्यक ही परेशान कर रहा हो। इस मंत्र को 221 बार आपको जाप करना है पति की फोटो के ऊपर। अपना थोड़ा सा रक्त उसके पीछे लगाकर ये मंत्र 221 बार आपको जाप करना है। इसके बाद इस तस्वीर को कहीं गाड़ देना, आपको जाके जंगल में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। इस मंत्र का प्रभाव पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। जो भी स्त्रियाँ अपने पति से दुखी हों या फिर डाइवोर्स तक की प्रॉब्लम आ गई हो, वो एक बार इस मंत्र को ज़रूर आजमाएं। ये उनके लिए 100% काम करेगा, क्योंकि अब तक मैंने जिस को ये दिया है उसने मुड़कर मुझे ये नहीं कहा कि इसने मेरे लिए काम नहीं किया। आपको बस करना इतना है कि जो पहले दिन का रक्त होता है उसको किसी फोटो के ऊपर लगाकर 221 बार ये मंत्र बोलना है। इसके बाद आपको ये किसी कांच की शीशी में भरकर ये तस्वीर जो है इसको किसी जंगल में या फिर सुनसान स्थान पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर जाकर आपको इसको गाड़ देना है। पहले दिन से आपको असर दिख जाएगा। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कर सकते हो 9992841625। मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बार बार मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मंत्र समझ में नहीं आ रहा, तो मंत्र को गौर से सुनना। योनि मंत्र शरीरा कुंजीवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाशी धत्तमा सदा। याद रहे ये प्रयोग आपको पहले दिन करना है और उसी दिन आपको ये सारा कुछ करना होगा। अगर आप इसको 2-3 दिन के लिए रख लेते हो स्टोर करके कि मैं परसों जाऊंगी आज जाऊंगी, तो नहीं हो पाएगा। ये सारा कुछ एक ही दिन में आपको करना होगा, पहले दिन में। वरना अगर आप इसको 2-3 दिन में करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले दिन में सारा करके आपको ये शीशी गाड़ देनी है। और अगर इसमें आप इलायची, लौंग और थोड़ा सा शहद डालें तो आपका जो प्रोसेस है वो एम्प्लीफाई हो जाएगा। अगर 10 दिन में काम होना होगा तो 5 दिन में काम हो जाएगा। इनको अगर जल्दी किसी भी चीज़, जैसे तंत्र में जब कुछ जल्दी चाहिए होता है तो उसमें इलायची और लौंग डाला जाता है, तो आप इस प्रयोग को कीजिए और मुझे बताइए कि कितना सटीक है। धन्यवाद।